हाय गाइस, सलाम, नमस्ते। आज जो फिटनेस इन्फॉर्मेशन ये है कि कोल्ड शावर थेरेपी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किया है कि कोल्ड शावर लेना अच्छी बात है, कि सुबह सुबह कोल्ड शावर गलत है, कहीं टेम्परेचर बॉडी का डाउन ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें एक टेक्निक है, कोल्ड शावर अब जब लेते हैं तो उसको 30 सेकेंड से शुरू करें। सिर्फ 30 सेकेंड आप कोल्ड शावर के नीचे रहिए, बस उससे काफ़ी बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इन्फ्लामेशन आपका रिड्यूस होगा बॉडी में, इंटरनल इन्फ्लामेशन। दूसरा ये बेनिफिट है, मसल पेन कम होगा। ओके, इसके अलावा आपको नींद अच्छी आती। इसके अलावा और बेनिफिट यह है कि न्यूरोट्रांसमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रेस को नीचे करता है, उसको बोलते हैं न्यूरोएपिनेफ्रिन। आपको उसके नाम में नहीं जाना है, नाम के पीछे नहीं जाना है, सिर्फ आप ध्यान रखिए कि इस न्यूरोट्रांसमीटर से आपके एड्रेनल ग्लैंड्स जो हैं स्ट्रांग होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स जो आपको स्ट्रेस के लिए आपके शरीर में फोर्स जनरेट करते हैं। किसी टाइप का स्ट्रेस, हम रोज स्ट्रेस से गुजरते हैं हर आदमी, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोल्ड शावर से जनरेट होता है। इसके अलावा डिप्रेशन कम होता है। ओके, सो ये बेनिफिट्स जो हैं बहुत जरूरी हैं। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। सो ये आप ध्यान से सुनिए, और कोल्ड शावर को 30 सेकेंड से लेके 5 मिनट तक ले सकते हैं। ओके, अगर आप उसमें आइस डाल सकते हैं, आइस बाथ भी होता है, या कोल्ड शावर से शुरू कीजिए फिर आइस बाथ पे आइए। सो स्लोली स्लोली प्रोग्रेशन कीजिए, एकदम लेने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले आप कैसा फील करते हैं 30 सेकेंड। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, कीप स्माइलिंग, बाय, नमस्ते।